पीओके, कौन सा पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान को इसने कब्जा कर लिया। हमारी दो गलतियां थी, सबसे पहली गलती नेहरू जी की नीतियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी, ठीक है, किसकी नीतियां, नेहरू, उनकी नीतियां काफी सॉफ्ट थी शुरुआत को लेकर, कुछ हद तक वो उस समय की एस्पेक्ट से सही भी थी और बहुत हद तक गलत भी थी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास लड़ने के लिए बहुत बड़ी फौज नहीं थी, ये हकीकत है, लेकिन साथ साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के पास भी बहुत बड़ी फौज नहीं थी। पाकिस्तान ने क्या किया, यहां सबसे बड़ा गलती राजा हरि सिंह ने क्या किया, अंग्रेजों ने खुला छोड़ दिया कि भाई जिनको पाकिस्तान के साथ मिलना है पाकिस्तान मिल जाओ, जिनको हिंदुस्तान में मिलना है हिंदुस्तान में मिल जाओ, जिसको अलग रहना अलग रह जाओ। इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को दे दिया गया, सरदार पटेल थूर थार के सबको मिला लिए, जो प्यार से माना प्यार से मान गए, जैसे मध्य प्रदेश के सिंधिया राज घराने ने कहा कि हम एक ही शर्त पे मिलेंगे, हमारा राजसार बरकरार रहना चाहिए, हमारी हवेली बरकरार रहनी चाहिए। आज भी देखिए ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जी का हवेली है ना, राजा है तो भारत में मिले थे, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐतराज है नहीं, हमें इस बात के लिए कहा था कि भैया तुम जैसे भी रहो भारत में मिलो, राजस्थान में भी आज भी राजा महाराजा लोग की हवेलियां हैं, जैसे मिलो। हैदराबाद वाला कूद रहा था कि हमरा ही सरदार पटेल फौज लगा के थूर दिए, नाम रख के पुलिस की वर्दी में फौज भेज दिए थे ऑपरेशन पोलो, उसको लगा कि हैदराबाद पुलिस है इनकाउंटर करेगी, सोचा तोप लेके गया था सर, थूर के चला है, निजाम चल गए। तो सरदार पटेल ने बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर लिया, मिला लिया किसको, राज्यों को, लेकिन मामला अटक गया कहां, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, आपको पता है उनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, उसकी मेंटेलिटी क्या थी, हरि सिंह अपना एक अलग देश बना लेंगे, ये हो जाएगा पाकिस्तान, ये हो जाएगा भारत, एक हो जाएगा जम्मू कश्मीर, अलग देश बना लेंगे, हरि सिंह को बाद में टपका दिया जाएगा, राजा कौन बन जाएंगे, शेख अब्दुल्ला, हुआ भी वही था, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, और शायद 370 नहीं रहता तो ये अब्दुल्ले अब्दुल्ला चलता, तो वो गड़बड़। तो हरि सिंह ने कह दिया नहीं हम अलग देश बनेंगे, बस इसी का फायदा उठा लिया क्या चीज, पाकिस्तान में, यहां से उसने लुंगी पहन के आतंकवादियों को घुसा दिया, ये आतंकवादी घुस गए सब कहां पे, जम्मू कश्मीर में, और काटाकुटी जब चालू किया ना तो हरि सिंह की आधी फौज मरा गई, तब वो दौड़े दौड़े दिल्ली संदेश भेजवाए, हम थुरा रहे हैं हमको बचाइए, तो नेहरू कहेंगे हाँ हाँ हम अपनी फौज भेजेंगे, ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में यहाँ फौज भेज दिया गया, यहाँ पर वहां फौज चली गई, सरदार पटेल ने रोक दिया फौज को, कहा के नेहरू जी फौज भेजते हैं वहां, ओकरा पूछिए वो हरि सिंह से, मिलेगा तो ठीक है ना तो मर ससुरा तू नहीं। तो उन्होंने क्या किया, भारत से विलय पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, उन्होंने क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जब उन्होंने अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर क्या कर लिया, हस्ताक्षर कर लिया, तब हमारे साथ यहां से फौज गई, और जब फौज यहां से पहुंची ना तो जैसे भारतीय फौज वहां पहुंची 1947 में, तब से लेके आज तक वही हमारा बॉर्डर है, यानी जब हमारी फौज नहीं थी तो ये कश्मीर के आतंकवादी सब भाड़ा के बहुत अंदर तक घुस गए थे, जैसे यहाँ हमारी फौज पहुंची इंडियन आर्मी, वहीं पे बॉर्डर पहुंच गया। भाई साहब 2 महीना और पहले भेज देते तो हो सकता था कि भारत का बॉर्डर यहाँ से शुरू हो। तो कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता है, कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ बर्बाद भी हो जाता है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि सुनो ना वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, ये वक्त सब कुछ बर्बाद भी कर देता है, इसलिए वक्त के हिसाब से नहीं चलिए, अपने हिसाब से किसी चीज को सेटल कीजिए। उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, हम लोग उसको, अब नेहरू जी यहां से शांत नहीं हुए, वो लेके चल गए यूएनओ में, अब उनकी क्या बताएं, यूएनओ की गठन 1945 में हुआ था, मुकदमा ठोक के चल गए 1947-48 वाला जो विवाद हुआ था ठोक दिए, उनको लगा कि नया नया चीज है शायद मामला सुलझा दे। आज ना हम लोग बड़ी आराम से कह सकते, इतिहास की गलतियों को आप आराम से गिनवा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम और आप और कौन सी गलती कर रहे हैं शायद इसे गिनवाना बहुत मुश्किल हो, संज्ञा गिनेगा। तो उस समय उनको लगा था कि ये तो नया नया यूएनओ का गठन हुआ है शायद मामला सुलझा देगा, मामला सुलझा ही नहीं, और क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड होते चला गया। अब उसके बाद क्या बन गया, हरि सिंह किसके इशारे पे काम कर रहे थे, शेख अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला ने 370 को जोड़वा दिया, धीरे 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 पूरा कश्मीर का सिनेरियो ही क्या हो गया, चेंज हो गया। अब पिछले साल क्या होगा भाई, 2019 में 370 हटा, आने वाले 10 से 15 साल में कश्मीर भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा बदल जाता, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, उनकी मृत्यु प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले हो गई थी। भारत में पहला चुनाव 1951 में हुआ था, चुनाव चला था 1952 तक, भाई ईवीएम नहीं था धड़ाक से खत्म, 50 में उनकी मृत्यु हो गई, उस चुनाव से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कहना मान के चलिए कि भाई सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते थे,
भाई वो बस एक कल्पना भर रह सकती, क्योंकि उनकी आकस्मिक क्या हो गई थी, मृत्यु हो चुकी थी चुनाव से पहले ही। तो अब पाकिस्तान ने किसको कब्जा कर लिया, पीओके को। अभी ये मामला कहाँ अटका हुआ है, यूएनओ में। पाकिस्तान को इस बात का बहुत बेहतरीन ढंग से डर था कि भारत आज नहीं तो कल उससे उसका पीओके छीन लेगा। उसका पीओके कौन सा, हमारा अपना पीओके है। तो उसने इस एरिया को किसको दे दिया, अमेरिका को भाड़ा पे दे दिया। बीच में एक बंदर, एक हवाई जहाज का अड्डा है गिलगिट बंदरगाह, कौन सा गिलगिट बंदरगाह नहीं जी, गिलगिट एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट, यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर अमेरिका ले क्यों लिया, तो देखिए अमेरिका को पता था कि शुरुआती दौर में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत रूस के फेवर में था, और अमेरिका और रूस में हमेशा क्या चलती है, दुश्मनी। इसलिए वो यहाँ आके वायुसेना का अड्डा ले लिया कि यहाँ से वो चीन पे नजर रख लेगा, भारत पे रख लेगा, और यही से रूस पे नजर लेगा, रख लेगा, और यहाँ से पाकिस्तान को अपनी रखेल बना लेगा यहाँ से। तो इसलिए उसने क्या कर लिया, वहां पर गिलगिट एयरपोर्ट को ले लिया। लेकिन अमेरिका भाई साहब किसी का नहीं है, इनफैक्ट रियलिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन को तो गोली मारिए, हम आपको भी बताते हैं, बड़े लोग जो होते हैं लोग ना, उनकी ना परमानेंट किसी से दुश्मनी होती है, ना परमानेंट किसी से दोस्ती होती है। ये बड़े लोगों की सबसे बड़ी खराबी, समझा गया। और ये चीज सबसे ज्यादा राजनीति में देखने को मिलती है।